आलमी शोहरत याफ्ता और मशहूर मारूफ नोहा खान और मनकबत खान सैयद फरहान अली वारिस जिस वक्त बेशते ज़ैनब हज़ारा कब्रिस्तान में आ चुके हैं फातिया खानी के लिए और पुरसदारी के लिए आज़ादारी के लिए शोहदा के कबूर के पास मौत इनके मुहिबों को आती नहीं आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं मौत से क्या खतर मौत से क्या हज़र इससे बचना भी क्या आ गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरजहु। तो नाज़रीन एक नए व्लॉग के साथ जी आप तमाम खिदमत में हाजिर है और टाइटल जी आप तमाम पढ़ चुके हैं। तो रात वाला व्लॉग जी आप तमाम ने देख लिया था आज़ादारी वाला, और जैसा कि आप तमाम को पता है कि फरहान अली वारिस जो है वो क्वेटा आए हुए हैं। रात पूरी रात जी सोए नहीं आज़ादारी में, 2 बजे आज़ादारी से आए थे एंड देन आते ही वीडियो एडिटिंग कर लिया और बीच में जो है 2-3 दफ़ा लाइट भी गई और अभी बैटरी भी तकरीबन कोई 15% रह चुका है हमारे आईफोन में, और उसी 15% आईफोन के साथ अभी हम हज़ारा कब्रिस्तान जा रहे हैं क्योंकि सैयद फरहान अली वारिस जो है वो फातिया खानी के लिए और आज़ादारी के लिए बेशते ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हज़ारा कब्रिस्तान आ रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, आपको आगे किसी से दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी आलमी शोहरत याफ्ता और मशहूर मारूफ नोहा खान और मनकबत खान सैयद फरहान अली वारिस जिस वक्त बेशते ज़ैनब हज़ारा कब्रिस्तान में आ चुके हैं फातिया खानी के लिए और पुरसदारी के लिए आज़ादारी के लिए शोहदा के कबूर के पास। राय खुशनुदी आगाए साहेब असरे जमान बिलंतर सलावात। सूरह फातिहा बराए शोहदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारे दीगर बिलंतर सलावात। जब खुदा को पुकारा दिया गई जब अली आ गए जिंदगी आ गई जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई जिंदगी 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 बंदगी रोशनी आ गई रोशनी आ गई मौत इनके मुहिबों को आती नहीं आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं मौत से क्या खतर मौत से क्या हज़र इससे बचना भी क्या आ गई गुस्ल मैयत न कहना मेरे हुस्न को उजले मलबूस को मत कफन नाम दो हुस्न मैयत न कहना मेरे हुस्न को उजली मलबूस को मत कफन नाम दो मैं चला हूँ अली से मुलाकात को जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई नारे हैदरी इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं मुझ में कब अहलियत थी तेरी मद हकी मेरे मौला मैं कुर्बान तेरे इश्क के सिफ्त जाफर को भी शायर आ गई
हुसैन 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 या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है फलक दामन से आ रही ये खून ना छुपेगा क्यों करिए खून ना छुपेगा क्यों जिसे ये दुनिया छुपा रही हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है फलक के दामन से आ रही है हुसैन लाश जमा करे हुसैन लाश जमा करे कर चले है मकतल से सुए खैमा चले है मकतल से सुए खैमा चले है मकतल से सुए खैमा मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर उठा रही है बिठा रही है हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है ये कौन है जिसकी गुफ्तगू में ये कौन है जिसकी गुफ्तगू में अली का लहजा झलक रहा है अली का लहजा झलक रहा है ये कौन है जिसके वलवलों में ये कौन है जिसके वलवलों में हुसैनियत जगमगा रही है हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है कहाँ है मकतल कहाँ मदीना कहाँ है मकतल कहाँ मदीना तड़प के बोली ये उम्मे सलमा तड़प के बोली ये उम्मे सलमा जो गश से जागी है तेरी सुगरा जो गश से जागी है तेरी सुगरा बस एक नौहा सुना रही है हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजील फरज चलो तस्वीर लेना ले लो चाचा के फिर टाइम नहीं मिलेगा मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह जी फतेह खानी भी हो गई है और आज़ादारी भी हो गई है और इस वक्त काफ़ी मोमिनीन जो है वो सैयद से मिल रहे हैं या अली मदद जी दुरूद पढ़ के आगे आगे आ जाए हंसते हंसते मोहम्मद और जिल्फा रजू या अली मदद तो दादारी भी जी ख़त्म हो गई और फातिहा खानी भी जी दे दिया है आलमी शोहरत याफ्ता मनकबत खान और नवा खान सैयद फरहान अली वारिस ने जो है और अभी एयरपोर्ट की तरफ ये जानिब उनका कारवान है तो एयरपोर्ट की तरफ जी जा रहे हैं और कलरा जी तारीखी एक आज़ादारी थी अल्हम्दुलिल्लाह से जिसमें काफ़ी मोमिनीन ने शिरकत की नहीं नहीं मसला नहीं है कोई इशू नहीं टेंशन ना ले आप
और ये मनाजिर थे जी सैयद फरहान अली वारिस के, जो इस वक्त जी हज़ारा कब्रिस्तान बिश्ते ज़ैनब से जा चुके हैं और पुरसादारी और फातिया खानी के लिए जी शहदा की कब्र पे आए थे बिश्ते ज़ैनब हज़ारा कब्रिस्तान में। और इस वक्त जी सुबह के 9 बज रहे हैं और 10:30 बजे जी उनका फ़्लाइट था कराची के लिए। तो ये सीन्स थे, एक छोटा सा जी वीडियो था या व्लॉग कह दें, तो मैंने कहा तमाम के साथ शेयर कर लूँ। और ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं ख़ुद भी आया हूँ और पूरी रात जी नहीं सोए, जिस तरह कि आप तमाम को बताया था कि एक तो 3 बजे जी घर आए थे आज़ादारी से, देन वीडियो एडिट करते करते जी 5-6 बज गए और बीच में 3 दफ़ा लाइट भी चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम है कि बैटरी ने साथ दे दिया और अभी भी कोई 5% जी बैटरी का चार्ज रहता है, मगर ये कि इवेंट भी ख़त्म हो चुका है। तो मौला इंशाल्लाह ये आज़ादारी पुरसादारी जी कबूल फरमाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें जी। तो फिलहाल इस व्लॉग को इधर ही एंड कर, और व्लॉग एंड जो है वो बिश्ते ज़ैनब हज़ारा कब्रिस्तान में जी शहदा की तस्वीर के साथ करते हैं। तो मिलते हैं जी अपने व्लॉग तक, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और तासुब से दूर रहें जी। तो अल्लाह हाफिज़ व नासिर, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहू।